दोस्तों स्वागत है आपका मशीन हंटर हिंदी के एक नए एपिसोड में। आज की वीडियो में हम आपको पशुपालन से जुड़ी कुछ कमाल की मशीनों के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आपका दिमाग घुमा कर रख देगी। जैसे कि दोस्तों, क्या आपने कभी यह सुना है कि एक मशीन जो ऑटोमेटिक तरीके से अंडे को मुर्गी फार्म से इकट्ठा करती है, या फिर एक ऐसी मशीन जो घोड़ों को ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट देने का काम करती है, या फिर एक ऐसी मशीन जो ऑटोमेटिक तरीके से गाय और भैंस का दूध निकाल देती है। अगर आपने यह सारी मशीनें कभी नहीं देखी या फिर उनके बारे में नहीं सुना है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको इसके बारे में पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर ले। नंबर एक पर है कार्ल फ्रेल। यह मशीन एक ऑटोमेटिक फीडिंग मशीन है, जो कि गाय के बछड़े को खाना खिलाने का काम करती है। यह मशीन पूरी तरीके से ऑटोमेटिक मशीन है। इसे चलाने के लिए किसी भी इंसान की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारा काम यह मशीन खुद ही कर लेती है। इस मशीन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि यह मशीन बछड़ों को खिलाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि बछड़े की कितनी खुराक देनी है, और यह बछड़े को उसकी उम्र के हिसाब से ही खाना देती है। अगर ज्यादा छोटा बच्चा है तो उसे उस हिसाब से ही खाना खिलाया जाता है, और अगर थोड़ा बड़ा बछड़ा है तो उसे उस हिसाब से ही खिलाती है, जो कि वाकई में काफी आश्चर्यचकित करने वाली बात है। और इतना ही नहीं, इस मशीन में लगे ऑटोमेटिक सिस्टम की वजह से इसे साफ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह मशीन खुद ही अपने आप को साफ कर लेती है। नंबर दो पर है ETS थियरार्ट। यह मवेशियों के लिए एक मोबाइल कनेक्शन पार्क है, जो कि वाकई में काफी शानदार है, क्योंकि आप इस पार्क की मदद से अपने गाय और भैंसों को बड़े आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और उन्हें पार्क वाला माहौल भी बनाकर दे सकते हैं। इस सिस्टम को असेंबल करना भी बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें दी गई स्टील की दीवारें लगी होती है, जिसे आपको सिर्फ खोलना है और उसे बॉक्स के आकार में लगा देना है। और जब यह पार्क बनकर तैयार हो जाता है, तो इसमें मवेशियों को छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद इस पार्क की साइज को छोटा कर लिया जाता है। और आपको बता दें कि इस सिस्टम में आपको रिस्ट्रेनिंग ऑप्शन जैसी सुविधाएं भी मिलती है। और इतना ही नहीं, आप इस सिस्टम की मदद से मवेशियों का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, और इस सिस्टम को अब बड़ी आसानी से अपने ट्रैक्टर के साथ अटैच भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप इसे कहीं पर भी अपनी मर्जी के हिसाब से ले जा सकते हैं। नंबर तीन पर है CMC इंडस्ट्रीज। CMC इंडस्ट्रीज द्वारा बनाई गई यह कमाल की मशीन मुर्गी फार्म में इस्तेमाल की जाती है। यह मशीन बहुत ही कमाल की मशीन है, जो कि कूड़े को मिक्स और ड्राई करके उसे प्रस्तारित करती है, और इस मशीन की मदद से मुर्गी फार्म में नमी और गंदगी दोनों की कमी रहती है। इस मशीन की मदद से प्रोडक्टिविटी और मुर्गियों के क्वालिटी दोनों पर ही असर पड़ता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी दोनों ही हमेशा बेहतर होती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यह मशीन इजी टू हैंडल मशीन है, क्योंकि आपको इसे चलाने के लिए बिल्कुल भी दम नहीं लगाना पड़ता। आपको बस ऐसे अपने ट्रैक्टर के साथ अटैच करके उसे आगे बढ़ाना है, और पीछे अटैच यह मशीन अपना काम करती चली जाएगी। नंबर चार पर है गिया फार्मिंग। यह मशीन भी एक ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन है, जो कि ऑटोमेटिक तरीके से गायों के स्तनों से बड़ी आसानी से दूध निकालने का काम करती है। इस मशीन की मदद से गायों का दूध बड़ी ही आसानी और काफी तेजी से निकाला जा सकता है। और इतना ही नहीं, इस मशीन में दोनों ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, ऑटोमेटिक और मैनुअल, यानी कि आप इसे ऑटोमेटिकली भी दूध निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसे मैनुअल भी खुद के अपने हाथों से भी दूध निकाल सकते हैं। और यह मशीन सिर्फ गाय के दूध निकालने का काम नहीं करती, बल्कि उनके स्तनों को साफ करने का भी काम करती है, जो कि वाकई में काफी कमाल की बात है। और इस ऑटोमेटिक मिल्किंग मशीन में पीछे एक स्टोरेज टैंक दिया गया है, जिसमें दूध को स्टोर किया जाता है। इस मशीन की मदद से दूध की क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों ही काफी तेजी से बढ़ती है, और काफी बेहतर भी हो जाती है। अगले नंबर पर है मिल्कोमैक्स। मिल्कोमैक्स एक मिल्किंग रोबोट है, जो बड़ी आसानी से गाय और भैंसों का दूध निकालने का काम करता है। और आपको बता दें कि मिल्कोमैक्स एकलौता ऐसा मिल्किंग रोबोट है जो अभी मार्केट में उपलब्ध है।
इस रोबोट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह स्टॉल बाय स्टॉल खुद ही गाय और भैंसों के पास जाता है और ऑटोमेटिक मिल्किंग प्रोसेस का काम शुरू कर देता है। इस रोबोट की मदद से गाय और भैंसों का दूध निकालने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है और मिल्क प्रोडक्शन भी काफी तेजी से बढ़ता है और इसके काम करने का तरीका भी बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसकी वजह से जानवरों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती। अगले नंबर पर है काइलिक्स एक्वा ट्रेनर। काइलिक्स एक्वा ट्रेनर एक ऐसा डिवाइस है जो घोड़ों को पानी में ट्रेनिंग और रिहैबिलिटेशन जैसे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यह डिवाइस एक छोटे से गलीनुमा बॉक्स की तरह होता है जिसमें घोड़ों को डालकर लॉक कर दिया जाता है और उसके बाद इसमें नीचे जिस पर घोड़ा खड़ा होता है वहाँ एक ट्रेडमिल लगी होती है जिसे घोड़े को अंदर आते ही ऑन कर दिया जाता है और जैसे ही यह ट्रेडमिल ऑन होती है घोड़ा उस पर खड़े होकर उस ट्रेडमिल की गति के हिसाब से चलने लग जाता है और फिर इस बॉक्स में धीरे धीरे पानी भरना भी शुरू हो जाता है और घोड़े को इस कंडीशन में एक जगह पर ही दौड़ाया जाता है। और आपको बता दें कि इस पूरी प्रोसेस की मदद से चोट और जख्म बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगले नंबर पर है कार्फ कैचर। किसानों के लिए यह मशीन एक जबरदस्त मशीन है जिसकी मदद से उन्हें अपने गायों के बछड़ों को खेतों से चरने के बाद तबेले में वापस लाने के लिए दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों तो आप जानते ही होंगे कि जो गाय के बछड़े होते हैं उन्हें जब आप घास चराने के लिए बाहर ले जाते हैं तो वह यहाँ वहाँ भागने भी लग जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें वापस तबेले में ले जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। मगर दोस्तों अब इस कार्फ कैचर की मदद से यह काम बहुत ही आसान हो जाता है। इस कार्फ कैचर को आपको बस अपनी एटीवी में अटैच करना है और फिर अपनी एटीवी के जरिए अपने गाय के बछड़ों तक लेकर जाना है और जैसे ही बछड़ा सामने आ जाता है यह मशीन बछड़े को अंदर लेकर दरवाजा बंद कर देती है जिसकी वजह से आपको दौड़ना और भागना भी नहीं पड़ता और यह मुश्किल और भागा दौड़ी वाला काम बहुत ही आसानी से हो जाता है जिसकी मदद से बछड़े यहाँ वहाँ भी नहीं जाते और बड़ी आसानी से घास चर के वो वापस तबेले में भी आ जाते हैं। अगले नंबर पर है लेलीवेक्टर। दूसरे इस मशीन की मदद से आप मवेशियों को खाना खिलाने जैसे टाइम कंज्यूमिंग काम को बड़ी ही आसानी से और तेजी से कर सकते हैं। इस सिस्टम में दो मेन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है फीडिंग किचन जहां पर चारों को स्टोर किया जाता है और कौन सा चारा मवेशियों को खिलाना है इसका निर्णय लिया जाता है और दूसरा मेन पार्ट होता है मिक्सिंग रोबोट जो कि चारों को मिक्स करता है और जानवरों को कितने मात्रा में चारा खिलाना है इसकी गिनती रखता है और उसके बाद यह रोबोट खुद ही तबेले में जाकर जानवरों को अपने आप खाना खिला देता है जिसकी वजह से आपका काफी समय बचता है और आप जानवरों को खाना खिलाने जैसा काम को इस रोबोट पर छोड़कर अपना दूसरा काम कर सकते हैं क्योंकि वाकई में किसानों के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। अगले नंबर पर है ऑटोमेटिक फीड पुशर। इस ऑटोमेटिक फीड पुशर का इस्तेमाल गाय भैंस के चारों को एक साइड में करने के लिए किया जाता है क्योंकि दोस्तों आप इस बात को तो बड़ी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि गाय जब चारा खाती है तो उसे फैला देती है जिसकी वजह से चारा दूर तक फैल जाता है और गाय की पहुंच से भी दूर चला जाता है और इसीलिए चारे को फिर से इकट्ठा करके एक साइज में करने के लिए इस ऑटोमेटिक फीड पुशर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि गाय और भैंसों को बिना परेशान किए उनके द्वारा फैलाए गए चारों को उनके पास फिर से इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ते चला जाता है। और आपको बता दें कि इस ऑटोमेटिक फीडर को आप अपने रिमोट से कंट्रोल भी कर सकते हैं जो कि वाकई में काफी कमाल की बात है। अगले नंबर पर है फीसिस स्क्रैपर। दोस्तों अगर आप तबेले में कभी गए हैं या फिर आपने कभी तबेले में काम किया है तो आप इस बात को तो जानते होंगे कि तबेले में सबसे मुश्किल काम होता है मवेशियों द्वारा किए गए गोबर को साफ करने का। लेकिन दोस्तों अब इस मुश्किल काम को इस एडवांस स्क्रैपर की मदद से बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इस स्क्रैपर में एक हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है जो कि गोबर को एक जगह पर इकट्ठा कर देता है और फिर आप इस गोबर को बड़ी आसानी से तबेले से हटा सकते हैं और तबेले को बिल्कुल साफ कर सकते हैं और इसके मदद से गोबर साफ करने वाले काम जिसे आपको करने में काफी समय लगता था वो भी काफी तेजी से और आसानी से हो जाता है। आखिरी नंबर पर है पोल्ट्री बॉट। बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म में हजारों की संख्या में मुर्गियां रखी जाती है और इन्हें दाना पानी भी दिया जाता है और दोस्तों अगर मुर्गियां होंगी तो जाहिर सी बात है कि वहां वो अंडे भी देगी
और उस बड़े बड़े पोलिट्री फार्म में एक एक अंडा उठाकर इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, और उठाते वक्त कई सारे अंडों पर गलती से पैर भी पड़ सकता है, तो अंडे तो टूटेंगे ही साथ वह जगह भी खराब हो जाएगी और वहां पर मुर्गियां बैठ भी नहीं पाएगी। तो ऐसे में बड़े बड़े फार्म्स में पोलिट्री बॉट नाम की इस मशीन को जमीन पर अंडों को ऑटोमेटिक तरीके से इकट्ठा करने के लिए रखा जाता है। और बता दें कि इस मशीन में बहुत सारे सेंसर्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से यह मशीन खुद ही अंडों को डिटेक्ट करती है और जहां पर अंडे होते हैं वहां खुद चल कर जाती है और अंडों को सेफ तरीके से उठा लेती है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।